एलडी, लंदन रेड है या फिर व्हाइट। टॉकिंग अबाउट बोथ द टीम्स आर्सेनल एंड स्पर्स, स्पर्स तो चुद रही है, स्पर्स में एरिक्सन को जाने की चुद थी बट अब उसको नहीं जाना। फाइट ऑफ साइनिंग जियोवानी लो सेल्सो, उसको टीम में अच्छी तरह घुला नहीं पा रहे हैं तो दिक्कतें चल रही हैं। एंड दैट न्यूकासल लॉस ओनली एम्पलीफाइज थिंग्स की पोचेटिनो चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच गया, बढ़िया बढ़िया, बट आगे कुछ करना नहीं करना। बेसिकली क्रिएटिविटी मिस थी क्योंकि एरिक्सन की बकचोदियां पहली बात। दूसरी बात वर्टोंगेन, उसको रिलेटेड भी काफी इश्यूज, यानी कि अब डेफिनेटली वर्टोंगेन और अल्डरवाइरल्ड बैक। एंड एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया, एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क लिया गया कि ट्रिपियर को जाने दिया और काइल वॉकर पीटर्स जो 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 बारसा में चुदा था देम्बेले से, उसको उसको राइट बैक खिला रहे हैं, जो अच्छा खेल रहा है बताऊं तो, बट अब वो भी इंजर्ड है। काफी इश्यूज चल रहे हैं और काफी बर्बादी चल रही है। बट एक नया मौका लंदन में जा रहे हैं एमिरेट्स में, तो प्रूफ करते हैं एक पॉइंट, एक स्टैंप गाड़ते कि वो तमीज से बात करो हम टॉटनम। एंड टॉकिंग अबाउट आर्सेनल, शिट टैक्टिक्स अगेंस्ट लिवरपूल 5-3-2 और ओबामेयांग पेपे, यहाँ चांसेस बनी मुझे पता बट इतनी नेगेटिव। पूरी फ्लैंक्स में स्पेसेस, रॉबर्टसन को बेंच, ट्रेंट को आराम से बॉस डालो, नंबर 8 फुल बैक प्रेस कर रहे हैं ताकि साला फर्मिनो माने को सकंप कर सके। हाँ समझ आ रहा है प्लान, बट इतने नेगेटिव, मतलब फिर साइनिंग किसने करी। बट सेकंड हाफ में उसी गेम में ओबामेयांग, लाकाजेट, पेपे दिखे, थोड़ा सा कुछ दिखा थोड़ा सा, क्योंकि लाकाजेट बॉल होल्ड कर सकता है, प्लेइंग फेसिंग इज बैक टू द ऑपोजिशन गोल, यानी कि वी सी ओबामेयांग, लाकाजेट, पेपे स्टार्टिंग टुडे और आग मूतनी है नॉर्थ लंदन डर्बी एंड टू एंड, देखते हैं। टॉकिंग अबाउट स्पर्स लाइनअप, मैं इतना सरप्राइज था नहीं बट आई थॉट, क्योंकि मुझे पता कि अगर मैं एमिरेट्स में जा रहा हूँ और उना एमरी ऑलवेज वॉन्ट्स हिज टीम टू प्ले अग्रेसिवली होम में, और पिछली बार भी ये हुआ था 4-2, तो आई एक्सपेक्ट स्पर्स टू प्ले ऑन काउंटर एंड दे हैव दीज प्लेयर्स, लूकस मोरा, ह्यूमिनसन, है ना, लूकस मोरा को खेलना चाहिए था इन माय ओपिनियन एरिक लमेला की जगह। गेम प्लान समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है काउंटर पे तो खेलेंगे बट हमारे पास बॉडीज एंड प्लेयर्स हैं जो डोमिनेट भी कर सकते हैं, काफी वेल बैलेंस्ड गेम। कोई भी इस लाइनअप देख के तुम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक चीज कर रहे हैं, यानी कि कोच जो ऑपोजिशन को कोच है वो प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहा। एंड टॉकिंग अबाउट आर्सेनल 3, निकोलस पेपे, ओबामेयांग, सब कुछ फाड़, बढ़िया, आग मूतनी है। दिस वॉज द गेम इन माई ओपिनियन जिसमें विलक को खिलाना ही खिलाना था, और वैसे खिलाया जा रहा उसे, अब नहीं खिलाना तेरे को। एंड बोथ द क्रिएटिव नंबर 10s, यही बोलूंगा, ओजिल एंड सेबायोस बोथ ऑन द बेंच, यानी कि सेकंड हाफ में ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। नाचो तो जा चुका है रियल सोसिडाड, तो कोलासी नाच, अरे ऑफेंसिव फेस में तो ओवरलैपिंग निकालेगा पर डिफेंसिव फेस में, यानी कि बेसिक सी बात मुझे दिख रहा है कि मेरा फ्रंट 3 सेट है और उनको डिफेंसिव ट्रैक बैक रन तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट कौन करेगा, मिडफील्ड करेगी ना, यानी कि नंबर 8s बहुत वाइड जाएंगे, गेंडूसी कितनी आगे जाएगा जो अच्छा करता है, टोरेरा, क्या टोरेरा ऑफेंसिव फेस में अच्छा है, नहीं, टोरेरा काउंटर प्रेस में बहुत फाड़ है, अग्रेसिव है, बट बॉल के साथ आगे बढ़ना इन बिटवीन द लाइंस, तो तुमने देखा होगा निकोलस पेपे को कितना डीप आना पड़ रहा था। एंड इवेंचुअली एज द गेम प्रोग्रेस पता लग रहा था कि ये मिडफील्ड 3 इज नॉट इन एनी वे शेप और फॉर्म हेल्पिंग दिस फ्रंट 3, इसी चीज का फायदा उठाया थोड़ा वेट के कि क्या करोगे तुम, और फिर काउंटर पर दबा के चूत मारी, ह्यूमिनसन आगे निकल रहा, क्योंकि ना अगर आगे खेलना पड़ता है तो हाई लाइन, हाई ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करना पड़ता है, डेविड लुइस और सोक्रेटिस और ये मेटन नाइल्स, क्या ये हाई लाइन में अच्छे हैं, लौड़ा मेरा, बिहाइंड रन निकाले, फिर एरिक्सन ड्रॉप किया, एरिक्सन वाइड, एरिक्सन 4-4-2, लमेला एरिक्सन वाइड थे बट विद पोजेशन, ये गेंडूजी वाइड, ये टोरेरा वाइड, बिल्कुल नैरो आ गए, अच्छे अच्छे फेसेस पे, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स, बॉल कलेक्ट करी, अच्छे अच्छी बॉल्स, क्विक पासेस, 2-3 टचेस एंड चूत मार रहे टोटली। अगर 2-3 टचेस में तुम ऑपोजिशन फाइनल थर्ड तक पहुंच रहे हो, यानी कि जो आर्सेनल है उसका गेम प्लान कतई लूजर है। एंड फिर गोल्स कंसीड किए, पहला तो हेडर जीतने जा रहा है, दो बंदे एक ही बंदे पे चढ़ रहे हैं, डेविड लुइस आउट ऑफ पोजीशन, वही डिफेंसिव फेस में बकचोदी, रोज कर नीरो ना, और झाका झाटू, अबे के पागल है, ऐसे कूद गया दोनों पैर लेके एडवेंचर आइलैंड में घूम रहा है। ये भी एक अलग सी बकचोदी आर्सेनल की, चाहे कितनी भी साइनिंग्स कर ले ये नहीं जाने वाले, क्योंकि डेडवुड अभी भी थोड़ा थोड़ा है, और डेविड लुइस के नाम पे एक और बुला ही लिया जो सही था बट इतना भी खास नहीं था, बट सही में थोड़ा एग्रेसिव दिखे। बट जब सेबायोस आया सेकेंड हाफ में, क्योंकि ना जब फ्रंट थ्री के आ रहे हो बढ़िया, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नॉट ओनली फुल बैक्स, वो तो अटैकिंग है ही, वो ओवरलैपिंग निकाल रहे हैं, ये मिडफील्ड सपोर्ट करती है, गेंडूजी फॉर्म में आया, फिर सेबायोस फॉर्म में आया, फिर कनेक्ट करी डॉट्स, फिर लाकाजेट ड्रॉप कर रहा है,
फिर चीजें दिखी बीच लमेला एरिक्सन डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं कर सकते उसका पूरा फायदा उठाया तभी नंबर 8 के बाद काफी लिबर्टी थी वाइट जाने की कि गैम्बल दोनों कोचेस ने बहुत गंदा गैम्बल लिया काफी ओपन गेम थी एंड टू एंड और दो तीन टचेस में फाइनल थर्ड दिख रहा था डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ के एंड में लाकाज़ेट का गोल उसी ने वापसी कराई है और फिर गेंडुज़ी की बॉल ऑबामेयांग का गोल अच्छे अच्छे गोल्स दिखे मजा आया ऑफ साइड गोल अगेन कोलासिनाच ऑन साइड नहीं दे सकता पता नहीं क्यों एंड में काफी चांसेस काफी आर्सेनल पे डोमिनेट कर रही है अग्रेसिव है एंड वी एक्सपेक्टेड एंड आई एक्सपेक्टेड आर्सेनल टू विन सही में बट स्पर्स वर रियली रियली गुड आई थिंक कंजर्वेटिव थी पोचेटिनो का प्लान थोड़ा ब्रेव था ऐसा चूते नहीं थे कि आर्सेनल लिवरपूल गई और 5-3-2 ये क्या पकचोदी द एंड दिस इज इट 2-2 आई थिंक फेयर है मे बी आर्सेनल शुड हैव वन मे बी बट फेयर है दोनों टीम्स को काफी चीजें इंप्रूव करनी है दोनों टीम्स डेफिनेटली इतनी फार तो नहीं है आर्सेनल साइनिंग्स कर लिए बट ढाका सोक्रेटिस ये जब अपनी पे आते हैं तो अपनी औकात दिखा देते हैं और डेफिनेटली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद टियरनी बेरिन आ जाएंगे तो अभी भी आर्सेनल आर प्लेइंग विद देयर सेकंड चॉइस फुलबैक्स ठीक है एंड एज पर स्पर्स एरिक्सन की डील शॉर्ट हो चुकी है वो रुक रहा है जो भी बक्चो दे तो थोड़ा सेटल हो जाओ राइट बैक सिचुएशन में थोड़ा और कॉन्फिडेंस दो काइल वॉकर पीटर्स को वो अच्छा कर रहा है एंड सर्ज ऑरियर को फिट करो और अच्छी तरह एंड दोम्बेले भी चला गया इनका तो थोड़ा थोड़ा गिर गया है थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा काफी साइड वेज पासिंग हो रही है ये स्पर्स की डेफिनेटली एट होम स्पेशली इन द एंड अच्छी गेम नॉर्मल गेम थी अच्छी गेम थी एंड टू एंड थी एक्सपेक्टेड था निकोलास पेपे हाँ ठीक है तू बढ़िया खेलता ठीक है पर इतना भी हाइपर मत हो जाए ऐसे जंगलियों की तरह से कहाँ कहाँ टर्न मारता है इट इजी